बॉलीवुड की चांदनी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है, लेकिन उनकी मौत की खबर पर यकीन कर पाना लोगों के लिए बेहद मुश्किल रहा। जिसने भी ये खबर सुनी वो दंग रह गया कि आखिरकार इतनी फिट रहने वाली श्री की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि श्रीदेवी के पति बोनी कपूर उन्हें सरप्राइज देने के लिए दोबारा दुबई पहुंच गए थे। वे उन्हें सरप्राइज डिनर पर ले जाना चाहते थे, जिसके बाद बोनी ने श्रीदेवी को उस रात जगाया और दोनों ने करीब 15 मिनट बात की। इसके बाद श्रीदेवी वॉशरूम गई, लेकिन जब वो 15 मिनट तक नहीं लौटी तो बोनी ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला। बोनी ने देखा कि श्रीदेवी अचेत हालत में बाथटब में गिरी हुई थी। बोनी ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों को फोन किया और करीब 9 बजे पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस और डॉक्टर के होटल आने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसी बीच दुबई के भारतीय कॉन्सुलेट ने श्रीदेवी का पासपोर्ट रद्द कर दिया, जिसके बाद बोनी और श्री की बेटी मुंबई लौट आई और श्रीदेवी दुबई के होटल के कमरे में अकेली थी। बताया जा रहा है कि दुबई पुलिस ने होटल का पूरा फ्लोर सील कर दिया है ताकि जरूरी हो तो जांच की जा सके।